सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय सर ओडिया। तो आम जो डिस्कसन करवा आपंकर सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट चैप्टर जोटा हो डेमोक्रेसी, तो जार हूँ आपण बहुत ही इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु। सो ठीक अच्छे, तो पूर्व आपड़ोटी को गोटे लाइक करूँ जब एपर्तंत लाइक करना सांग सहित निश्चय भाव सेयार करेंगे, और जदि चैनल को फर्स्ट टाइम अच्छा सब्सक्राइब करना तेल निश्चय भाव सब्सक्राइब कर दिंतु, और पाखे थे बेल आइकन में क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे, जहाद्वारा चैनल प्रत्येक भिडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमें पहुँची पार। और यदि चैप्टर आपर कि भी डाउट रही आपको कमेंट बॉक्स रे पचारि परबे, आम चेष्टा करबे आपन को कमेंट रो रिप्लाई देबा पई। एवं यदि आपन को नोट्स दरकार एवं क्लास आपन माने ठीक टाइम रे करियो जोंती, ताले आपन माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जंतु। टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मन थे आपन मन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे जाईची, जदि आपन से लिंक द्वारा जॉइन हे पन्नंती ताले आपन माने टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करी सर्च बॉक्स रे टाइप करबे संजय सर ओडिया, तो आपण सामने ग्रुप ओपन हो ग्रुप उपर क्लिक कर जॉइन हो पारे। और यूँ आपर जहाँ भी दरकार इम्पोर्टेंट नोट्स पीडीएफ सब आपरेंगे, चलो डेरी नक आरंभ करेंगे आपण मान फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी। ठीक अच्छे, तो देखो मेनली आरंभ करने पूर्व आपको गोटे जिनस कहवा चाहिए, समस्ते मेक्सर करूँ जे आपण पाखे खाता एवं पेन थी। ठीक अच्छे, कहीं ये हूँ बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर टे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पे कहते पॉलिटिकल साइंस कष्ट, किंतु मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत सहज, बस आपको टिके मन दे कि पढ़वार अच्छे। ठीक अच्छे, तो आपने समस्ते पेन पेपर पाखे रखु। विषय आरंभ करने पूर्व आपने जान रखु विषय ना हूँ भारत गणतंत्र अर्थात इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक अच्छे, इंडियन डेमोक्रेसी पर इंडिया डेमोक्रेसी आपरेंगे, तो आपने नोट करूँ सर्वप्रथम यहाँ लॉर्ड वाइज कही जो सरकार ने शासन क्षमता कौन सी निर्दिष्ट लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठी सदस्य मान हाथ में न्यस्त थाए गणतंत्र कहुए, अर्थात ये से कौन कहते ना एट गुड़ा हूँ मानक शासन। ठीक अच्छे, एगुड़ा शासन क्षमता, तो ये जो शासन क्षमता गुड़ा अच्छी युवा कौन होना ये लोकटा हाथ में केवल नष्ट न होता हूँ जड़े लोक एमती मेचे लोक हाथ में नष्ट हो। ठीक अच्छे, तो ये जो शासन क्षमता गुड़ा केवल ये आईन प्रणयन करें, सब लोक मैंने मिसिकी आईन प्रणयन ही करेंगे, तो यहीटा को ही मेनली गणतंत्र डेमोक्रेसी कहा जाए। तो मेनली बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टरटे आपको बहुत ही बढ़िया लगे पढ़ापी। तो देखो देख यहाँ हूँ भारत गण संसद, देखु समस्ते कमी एकत्रित होती अर्थात केवल ये गोटे लोक द्वारा ही शासन क्षमता चली पार नहीं, समस्ते एकजुट हेले जा शासन व्यवस्था सठिक भाव में चली पार। भारत गणतंत्र मंदिर आपण जाणी रखत नोट कर दिंतु, भारत हूँ पपुलेसन वर्ल्ड लार्जेस्ट पपुलेटेड कंट्री, फास्ट नंबर रे हूँ चाइना, सेकेंड रोज भारत पपुलेसन जो डेमोक्रेसी राजनीतिक संविधान वाइज देखा भारत हूँ विश्वर सबुठ बड़ एवं भारत संविधान हूँ सबुठ कम्प्लेक्स डेमोक्रेसी। ठीक अच्छे, तो गणतंत्र अर्थ कौन आपने देखु ना देखु गणतंत्र हूँ एभली बहुल व्यवहृत शब्द जे यार व्याख्या कर कौन से आवश्यकता अनुभूत हुए ना, अर्थात गणतंत्र हूँ एमती गोटे शब्द जो जोटार एक्सप्लेनेसन दबा आपण को हे तो ठीक हेनी हे तो आवश्यकता नहीं आप पूर्व जानते ग्रीक भाषा डिमोस और क्राटोस क्षमता समन्वित शब्द यार उत्पत्ति, अर्थात ग्रीक भाषा ही गणतंत्र डेमोक्रेसी शब्द उत्पत्ति। डेमोस अर्थ शब्दर अर्थ हूँ गण, क्राटोस अर्थ रोच क्षमता, तो दुईटा जाक मिशी डेमोक्रेसी शब्दर सृष्टि जार अर्थ हूँ लोक मान क्षमता अर्थात गण शासन। ठीक अच्छे, अर्थात जनसाधारण द्वारा परिचालित शासन है गणतंत्र। जदि आपण को पचारे कौन लिखे ना लिखे जो शासन व्यवस्था साधारण जनता प्रत्यक्ष अंशग्रहण थाए ताकू गणतंत्र कहुए सरला। आरिस्टोटल मतरे जदि गणतंत्र हूँ सुजनतंत्र निकृष्ट रूपातर आधुनिक काल में, किंतु गणतंत्र को समस्त शासन व्यवस्था मध्य श्रेष्ठ तथा आदर्श शासन व्यवस्था बोली मन कर 21st सेंचुरी गणतंत्र को सबुठ श्रेष्ठ एवं आदर्श शासन व्यवस्था बोली मानि नि कहीं राजराज शासन में किसी ना कि आपण मानक भूल हो पाए, किंतु गणतंत्र शासन में आपण मानक कौन सी प्रकार भूल हुए तो हो न थाए। ठीक अच्छे, तो ये विभिन्न संज्ञावित मैंने यार संज्ञा देखते जमी लॉर्ड ब्रायन्स मतरे आप सब नोट करूँ भावंतुनि यहाँ सहज
आपण मैंने ना जो पीडीएफ टाक रीड करेंगे निजे फास्ट चैप्टरटा को रीड करेंगे ओपन करेंगे ये सब गुड़ा मुझे जोड़ा जोड़ा कौच रीड नोट करेंगे पीडीएफटा मुझे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन है निश्चय भाव जॉइन हो टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डेस्क बॉक्स रे दे जाइए। लॉर्ड ब्रायन्स को मत रे जो सरकार रे शासन क्षमता कौन सी निर्दिष्ट श्रेणी रो लोकों हाथ में न रही समग्र गोष्ठी सदस्य मान हाथ में आईनतः न्यस्त थाए ताकू गणतंत्र बोली कहा जाए था। ठीक अच्छे राजनीति विज्ञानी सिली एटा ही एग्जाम पचारि थे सिली कौन कही सिली जोटा कही आपटा मन रखि था सिली गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो थी समस्त भागीदारी थाए अर्थात गोटे छोट कृषक ठार् नहीं कि गोटे शिल्पपति पर्यंत समस्त गणतंत्र अंश रही अच्छी। इज इट क्लियर। आमेरिकार पूर्वतन प्रख्यात राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते यहाँ भी आपने मन रखु गणतंत्र होची जनसाधारण द्वारा एवं जनगण कल्याण पे अर्थात डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल बाय द पीपल इफ द पीपल। ठीक अच्छे तो परवर्ती लाइन को जदि आपण मैने देखिए देखते सुतरा गणतंत्र कहले आम बुझाजे कौन सी व्यक्ति व गोष्ठी नुहे गणतंत्र कहले कौन से गोटे निर्दिष्ट व्यक्ति कि निर्दिष्ट गोष्ठी को आम बुझाऊनि देखु क्या बुझाऊ समस्त व्यक्ति ही राष्ट्रर सार्वभौम क्षमतार अधिकारी अर्थात भारत भली एक एते बड़ राष्ट्रर सबू व्यक्ति गणतंत्र रे अंश रही अच्छी। ओके प्रत्येक नागरिक राष्ट्र परिचालन रे अंशग्रहण करिवार अधिकार रही भारत प्रत्येक लोक मिसिके राष्ट्र को चलेबे किंतु व्यापक दृष्टिकोण विचार कले गणतंत्र केवल गोटे शासन व्यवस्था नुहे यह एक आदर्श समाज व्यवस्था एवं आदर्श जीवन मार्ग गणतंत्र हूँ गोटे समाज को परिचालन करिवार व्यवस्था अर्थात मु गोटे एग्जांपल दूँ आपणकर जौथ परिवार ताले आपण माने जानी थे जौथ परिवार रे जिएना जिए हेने आपण मान घर मुरबी था कहले तो से मुरबी घर को चलाउं किंतु मुरबी कौन घर अन्य सदस्य मान बिना ही घर को चल पारे कि समस्त सहयोग दरकार ना सेमती भारत को चलाउं तो चलु तो आम संसद किंतु संसद तो मन हिसाब भारत को चल पारे संसद को भारत सबू नागरिक समर्थन दरकार सेमती राजनीतिक अर्थ कहले आम एक प्रतिनिधिमूलक दायित्वशील सरकार कहीपर जी राजनीतिक भाषा कहे आम भारत को एक प्रतिनिधिमूलक दायित्वशील सरकार बोली कहीपर मात्र अर्थनैतिक तथा सामाजिक साम्य बिना गणतंत्र प्रकृत स्वरूप उपलब्ध करहब ना सुतरां समाज में परस्पर मध्य साम्य मैत्री सहनशीलता और हृदयतार भाव रही गणतंत्र शासन सफल हो पार अर्थात समस्त भितर एकता द्वारा ही गणतंत्र सफलता आम देखिपर गणतंत्र को साधारणतः दुहार व्यक्त कराई गोटे हूँ कौन ना गोटे हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गोटे हूँ परोक्ष गणतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आम प्रथम देखने जो गणतंत्र कौन गणतंत्र क्या कहुए ना गणतंत्र हूँ जो सरकार रे जो शासन व्यवस्था राष्ट्र प्रत्येक नागरिक अंश थाए ताक गणतंत्र कहुए तापर आपण मैंने ये किसी डेफिनेशन मन रखिए जो गुड़ाक भी आपण मूँ कहली लॉर्ड ब्राइस कौन कहते राजनीति विज्ञानी सिली कौन कहते अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति सार अब्राहम लिंकन कौन कहते आम देखा प्रत्यक्ष गणतंत्र ना डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या कहे प्रत्येक गणतंत्र में राष्ट्र नागरिक मान प्रत्यक्ष भाव में शासन कार्य परिचालना करती प्राचीन ग्रीस्र नगरी गुड़िकर एक प्रकार व्यवस्था प्रचलन थाए प्रत्येक गणतंत्र कौन होता है ना प्रत्येक 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 नागरिक शासन व्यवस्था अंशग्रहण करती केमती ना देखु नगर राज्य में समस्त नागरिक गोटे स्थान समवेत हो आईन प्रणयन करते अर्थात प्रत्येक नागरिक अंशग्रहण करार अर्थ होते कौन से नुआ आईन प्रणयन हम समस्त गोटे सभा को डकाहब से आईन टी कह समस्ते हाथ टेकबे। ठीक अच्छे जो अनुसार मेजोरीटी हे से अनुसार ही मंजूरी दीजिए तो यहाँ हूँ प्रत्यक्ष गणतंत्र कहुए तो यही गणतंत्र मेनली जो छोट छोट देश मानक देखा जाए कहीं जेहेतु भारत पॉपुलेशन आसिकी शहे देढ़ सौ कोटी पारे तो ये लोक डाक आम कौन से आईन को प्रणयन करसबुल हेनी इम्पसबुल से भारत में आम परोक्ष गणतंत्र चली मात्र आधुनिक काल में राष्ट्र आयतन और जनसंख्या को अभिवृद्धि जो संभवपर है कौन ना प्रत्यक्ष गणतंत्र वर्तमान समय केवल स्विट्जरलैंड ही प्रत्यक्ष गणतंत्र व्यवस्था प्रचलित निहाती भाव यहाँ नोट डाउन करूँ वर्तमान समय केवल स्विट्जरलैंड प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित अच्छी
सेठारे जेउ तीन गोटी प्रंथा प्रवर्तित होइथे तीन गोटी प्रंथा होची अर्थात प्रत्यक्ष गणतंत्र को पूर्ण भावे तीन टा भागरे व्यक्त करागला गोटे होची गण भोट बा रेफरेंडम गोटे होची गण उद्योग बा इनिशिएटिव गोटे होची प्रत्याहार बा रिकॉल प्रत्यक्ष गणतंत्र को पूर्ण तीन भागरे व्यक्त करायची गोटे होची गण भोट गण उद्योग गोटे होची प्रत्याहार आमे तीन टा विषय देखिबा गण भोटर अर्थ होची ए प्रकार व्यवस्था रे तात्पर्य हैला व्यवस्थापक सभा रे प्रणीत आईन कार्यकारी हेबा पूर्वरु जनसाधारण को निकट को एहर उपस्थापित करा जिवो अर्थात कोनसी गोटे आईन प्रणयन हेबा पूर्वरु साधारण लोकन को सामने से आईन को उपस्थापन करा जिवो गण भोट माध्यम रे एहा जनसाधारण को द्वारा गृहीत हेला परे कार्यकारी हेबा लोकमानन को मतामत परे एहा कार्यकारी हेबो याको बाध्यतामूलक जनमत संग्रह कहै छै अर्थात ए प्रोसेसटा करबा कंपलसरी ए व्यवस्था फल रे व्यवस्थापक सभा माने सभ्य माने मनमुखी आईन प्रणयन करि परंदी नाही केते क्षेत्र रे एही जनमत संग्रह व्यवस्था बाध्यतामूलक न होई इच्छाधीन होइथे इच्छाधीन व्यवस्था रे केवल तीन किछे संख्यक वोटदाता आवेदन कले व्यवस्थापक सभा द्वारा प्रणीत आईन बा चिट्ठा बा निर्वाचकक निकट रे उपस्थापित होई तार मतामत ने जैथे एवं तांको द्वारा गृहीत हेले एहा कार्यकारी होइथे ठीक अछि तो गण भोटर अर्थ होची बेसिकली मुझे आपको सिंपल भाषा कहले कौन से आईन प्रणयन होगा पूर्व साधारण लोक मानक से आईन मेरिट डिमेरिट विषय कह साधारण लोक मैंने जदि से पसंद कले आईन को प्रणयन कर आईन से ही अटकी जापरि गण उद्योग बा इनिशिएटिव जितेबाद लोक मैंने कौन से आईन प्रणयन आवश्यकता उपलब्धि करती अर्थात यदि लोक मैंने चाहूंजे कौन से गोटे नुआ आईन आम भारत में किंवा स्विट्जरलैंड जेहेतु स्विट्जरलैंड प्रत्येक गणतंत्र प्रचलित साधारण लोक मैंने चाहते गोटे नुआ आईन प्रणयन हो तो यही क्षेत्र में लोकंकर व्यवस्थापक सभा को निर्दिष्ट आईन प्रणयन पर निर्देश देबे साधारण लोक मैंने कौन सी क्षेत्र में लोक मैंने निजे आईन प्रस्तुत कर व्यवस्थापक सभा को तार ग्रह अनुमोदन पर पठे थी अर्थात लोक मैंने जब भावुंत कौन से नुआ आईन प्रणयन होने लोक मैंने आईन को तालिका कर व्यवस्थापक सभा को तार मंजूरी पठे थी तापर प्रत्याहार निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य संतोषजनक नहले तांकु से कौनसी समय प्रतिनिधि पदर विताड़ित होबार अधिकार निर्वाचक गणक थाए या प्रत्याहार कहे अर्थात प्रत्याहार अर्थ हो से जो प्रतिनिधि मानक बाछी से प्रतिनिधित्व करने जदि से ठीक भाव में कार्य नक साधारण लोक मैंने महसूस कले अर्थात से भाविले आम जो प्रतिनिधि पठे से सठिक भाव में कम करना तेल से जनमत द्वारा से पदर विताड़ित करे इज इट क्लीयर तापर आम जा परोक्ष गणतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को परोक्ष गणतंत्र होची जो शासन में सार्वभौम क्षमतार अधिकारी जनसाधारण सरकार परिचालन प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण नक समय प्रतिनिधि मानक द्वारा शासन दायित्व नष्ट करताक परोक्ष गणतंत्र व प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कहुए एग्जाम मेनली परोक्ष गणतंत्र को प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र सहित आपको कन्फ्यूज करते हैं तब मन रखुद परोक्ष गणतंत्र जहाँ प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र से निहत्या यहाँ मन रखुद परोक्ष गणतंत्र प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र गोटे मार दुटा पिलापर दुटाकर अर्थ सेम देखु परोक्ष गणतंत्र तो सब लोग शासन क्षमता से डायरेक्ट अंशग्रहण करेंगे किंतु जो देश में जनसंख्या बहुत से देश लोक मैंने केमती परोक्ष प्रत्यक्ष गणतंत्र अंशग्रहण करेंगे से तैयारी कराला परोक्ष गणतंत्र इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जमी आम भारत में जनसंख्या बहुत तो आम भारत लोक मैंने साधारणतः प्रत्यक्ष भाव अंशग्रहण करूना आम कौन करा आम गाँव रेतक लोक मिसिकी जन को बाछुंता कह सरपंच सी कौन करम गाँट को आम जेहतु ताक बाछी आम गाँव को परिचालन करने तो से कौन करना आम गाँ को आम पंचायत को ऊपर लेवल रे रिप्रेजेंट करा को कहुए प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बा परोक्ष गणतंत्र यठार जनसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मैंने ही बास्तव में क्षमतार अधिकारी अर्थात आम जो प्रतिनिधि मानक बाछी था से मैंने ही क्षमतार अधिकारी से मैंने जनसाधारण नाम शासन करती आधुनिक जुगरे प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र प्रचलित होते तो आपर क्लीयर हो गला प्रत्यक्ष गणतंत्र एवं परोक्ष गणतंत्र व प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र कौन ओके तापर आम जा गणतंत्र लक्षण कौन गणतंत्र विशेष लक्षण व मौलिक नीति है जनसाधारण सार्वभौमत अर्थात प्रत्येक लोक गणतंत्र सामान दृष्टि देखे आप राजार पु हूँ कि चाषीर पु हूँ से कौन असुविधा नहीं गणतंत्र दृष्टि आप समस्ते सामान सरकार गठन कर प्रतिनिधि मैंने जनतार सेवक भाव कार्य करें चाहिए सरकार बदल पारती
ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏଥିରେ ଆଇନର ଶାସନ ଚାଲେ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆଇନର ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ ଚାଲିନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଆଇନର ଅଧୀନରେ ଅଧୀନିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଓ ଗୃହୀତ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ, ତାହା ଲିଖିତ ହେଉ ବା ଅଲିଖିତର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସରକାର ପରିଚାଳନା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଯେଉଁଟା ଆଇନ ଯେଉଁଟା ର ପରିଚାଳନା ହେବା କଥା, ଯେଉଁଟା ଲ ସେଇଟା ନେଇ ଶାସନ ଚାଲିଥାଏ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଚାଲିନଥାଏ। ଥାର୍ଡ ଲକ୍ଷଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ଧନୀ ହେଉ ବା ଗରିବ ହେଉ, ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ ବା ଅଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, ର ମତର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସମାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଚାଷୀର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ନେତାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ରାଇଟ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖିବେ, ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁତରାଂ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିପାରୁଥିବା ଦଳ ବା ଦଳ ସମୂହ ମୂଳରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦଳ ବା ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରୁଛି, ସେ ହିଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ, ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହା ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନାର ସରକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମେନଲି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ ସେଠାର ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ମାନେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତାକୁ ତା'ର ବିପରୀତ ଦଳମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିପାରିବେ, ସେ ଅଧିକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛି। ଭାରତର ନାଗରିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କ୍ଷମତାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବା କୌଣସି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଜନମତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କ୍ଷମତାରେ ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ବିଧାନର ନୀତିନିୟମକୁ ଆଧାରରେ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମ ଭାରତରେ କୌଣସି ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିନା ସମ୍ବିଧାନର ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ବିଧାନର ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୁଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସାମ୍ୟ ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଲା ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଥାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶାସନ କରିବାର ଓ ଶାସିତ ହେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଇଥାଏ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଲକ୍ଷଣ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୁରକ୍ଷା। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଗୁଣଟି ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଏହା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେହି ବି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା। ତୃତୀୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ତୃତୀୟ ଗୁଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ନା ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନ। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଶାସନର କେମିତି ନା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାର ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଓ ବିଲୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ଯେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ସେ ମରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଶାସନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି ହେବନି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯିଏ ବି ଶାସନ କରିବ ତାକୁ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଉପରେ ହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ଶାସକ ବା ଶାସକ ଦଳ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାମ୍ୟ ମୈତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଭୃତି ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଥାଏ। ସେ ସମାଜର ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରି ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚାପି ହୋଇଯାଏନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହା ବି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ଅଟକେଇବେନି ଆପଣଙ୍କ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚମ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ମୂଲ୍ୟ।
गणतंत्र व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा लाभर सुजोग प्रदान करिथाय केमती ना देखंतु गणतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक शिक्षा लाभर सुजोग दे तहार राजनीतिक चेतनार अभिवृद्धि साधन करिथाय। एही शासन व्यवस्था व्यक्ति निजक राष्ट्रर समस्त कार्यकलाप सहित संश्लिष्ट करिबाकु यार विशिष्ट समस्या समाधान अवगत होगा सुजोग लाभ करते अर्थात गणतंत्र रे प्रत्येक नागरिक मूल्य अच्छी प्रत्येक नागरिक निजस्व मत अच्छे प्रत्येक नागरिक मत को नहीं कि ही गणतंत्र शासन व्यवस्था चली थाए। गणतंत्र प्रत्येक नागरिक को राजनैतिक शिक्षा विषय सचेतन कराई परवर्त समय तार मत को से गणी थाए सर्वसाधारण हित स्थान अर्थात गणतंत्र केवे भी चाहे कौन से निर्दिष्ट व्यक्तिर निर्दिष्ट गोष्ठी हित हो गणतंत्र सर्वसर्वदा चाहिए जे सबू लोक मानती हित हो पार षष्ठ सप्तमी हूँ शांति और सहावस्थान गणतंत्र हूँ शांति और सहावस्थान सरकार संख्यागरिष्ठ मत अनुसार शासन नीति निर्धारित हेले हे संख्यालघुर मत को सहाय कराए अर्थात गणतंत्र मेनली कौन होता है जो मैंने संख्यागरिष्ठ से तो सरकार गठन करते कि जो मैंने संख्यालघु से एड़ाई दि जाए से गुरुत्व प्रदान कर सठिक भाव ठीक अच्छे। तो जहाँ भी रहा गणतंत्र दोष दुर्बलता एगुड़ा आम परवर्त क्लास देखा पार्ट टू रे। तो जब आप पार्ट वन जो अर्थात ये क्लासटे भल लगे निश्चय भाव लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे चैनल को फास्ट टाइम थे जैसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन अन कर ऑल नोटिफिकेशन सेट करदे जहाँ चैनल प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमें पहुँची पार कौन जदि डाउट रहा बुझीपे कौन जगह आपको कष्ट लगे कमेंट बक्स होपण मैंने जहाँ भी कमेंट करेंगे मुझे चेषा करी आप कमेंटर उत्तर देवाई। तो निश्चय भाव आप टेलीग्राम ग्रुप जॉइन जातु टेलीग्राम ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती या फिर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को इनस्टॉल कलापर आपण कर टेलीग्राम जहाँ भी सर्च बॉक्स अच्छी टेलीग्राम सर्च बॉक्स को जाकि टाइप करेंगे संजय सर ओडिया आपण सामने ये ग्रुप टी ओपन होने ग्रुप क्लिक कर जॉइन हो पारे ठीक अच्छे। सो जोटि आपको सब नोट्स मिल जाव। तो देखा आपण सहित परवर्ती क्लास रे गणतंत्र दोष दुर्बलता सहित देखा भूलें पार्ट टू पार्ट टू लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवा चेष्टा करी देखा परवर्ती वीडियो रे विदा दिंतु धन्यवाद।